Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Thank you, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया. Please विराजमान हो जाइए. अर्चना जी, हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप. Thank you, you too. अब्बास मस्तान का तीसरा भाई लग रही हैं आप. ओह, अच्छा जैसे मॉल में हर किसी के पसंद की चीजें एक ही छत के नीचे मिलती हैं, वैसे ही आजकल OTT पे भी हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है. और आज के हमारे जो मेहमान हैं, ये वो कलाकार हैं जो OTT पे अपनी फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए छाए हुए हैं. चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच. प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित व्यास, आंचल सिंह, त्रिधा चौधरी, अमित सयाल एंड राजेश तैलंग. आइए तैलंग साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप सब जानते हैं ये बहुत ही गुणी कलाकार हैं और OTT पे इतने बिजी चल रहे हैं, इनके पास किसी के लिए समय है नहीं. यहाँ तक कि जब हमने भी फोन किया, उन्होंने साफ कह दिया कि जब आप बुलाओगे हम आ जाएंगे. कैसा लग रहा है आप लोगों को इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मैंने आपको टाइम दिया? यार मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं आप सबका इतना बड़ा फैन हूँ, इतना कमाल का काम करते हैं. आज बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पे देख के. आइए प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए. अच्छा अमित भाई, राजेश भाई, सुमेध, आज तीनों ही कमाल के एक्टर हैं, पर अफसोस कि आप लड़कियां नहीं हैं, तो मैं लड़कियों से बात शुरू करता हूँ. रिधा और आंचल, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. थैंक यू. आंचल, आपकी काली काली आंखें तो सबने देखी हैं, लेकिन आज आप अपनी काली काली आंखों से मुझे देख रही, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है. शुरू हो गया. इतना दूर क्यों लगाया मेरा सोफा? नहीं, ठीक है. काली काली आंखी में इन्होंने जो किरदार किया है, ब्यूटीफुल, है ना, कि पावरफुल बाप की बेटी और किसी लड़के के पीछे पड़ जाती है. मैं मन ही मन सोच रहा था काश वो लड़का मैं होता, वो तो. तो ये आंचल, ये जैसे आपने उस लड़के के पीछे पड़ी हुई थी आप, हाथ पैर धो के पड़ी थी आप, बिल्कुल. ये सिर्फ OTT के लिए टैलेंट है कि रियल लाइफ में भी कभी आपके पीछे पड़ा कोई ऐसे हाथ पैर धो के? एक्चुअली रियल लाइफ में तो मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि क्या पता मेरे अंदर एक ऑब्सेसिव लवर हो. पर आप ये मत सोचो मैं आपको देख के बोल रही हूँ. नहीं नहीं, मैं आश ऐसा होता नहीं. पर मैं एक बात बताइए, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, कभी आपके पीछे कोई ऐसा कभी नहीं कोई लड़का पड़ा सीरीज आने के बाद, जब आप पॉपुलर हो गई इतनी? ये शो एक ही घंटे का है ना, तो अब ओहो. नहीं, पड़ा नहीं पड़ा बिल्कुल. अच्छा जी, मेरे पड़ा रहा है पीछे, अभी ये पड़ रहा है ना पीछे अभी. मैम मेरे डैड एयरफोर्स में थे, फिर वो रॉ में थे, तो फिर वो एवरीबॉडी थॉट कि थोड़ा सा डर के रहो. मेरे भाई भी हैं, बड़े भाई जो यहाँ बैठे हैं. अच्छा अच्छा, कुछ सीन ही नहीं बन पाया. चलो फिर और बताओ, फिर क्या बात करें? ये तो बात ही. हेलो भैया, चुप ही हो गए. और इससे मुझे याद आया कि मुझे गिन्नी इतनी पसंद है, मैं उनसे जब मिली, आई थिंक मैं उनकी बड़ी फैन हूँ. अब तो कपिल को खत्म ही कर दोगी तुम यार. गिन्नी का भी नाम ले दिया कपिल. हाँ, गिन्नी मुझे बड़ी पसंद है, तभी मैंने शादी की. ओह त्रिधा, हमने आपको आश्रम में देखा, आपने इतना कमाल का काम किया है. अच्छा, आपको जब ऑफर हुआ आश्रम सीरियल, आपको लगा था कि सीरीज का नाम आश्रम है और आपको इतना बोल्ड करेक्टर ऑफर करेंगे वो? बोल्ड से क्या मतलब है आपका? बोल्ड मतलब इन्होंने बोला कि बताइए, शर्माइए नहीं. मतलब बोल्ड को क्या कहेंगे हिंदी में? चैलेंजिंग. हाँ, मतलब सीरीज का नाम देखो, आप आश्रम है और फिर मतलब होता है, मतलब मुझे बड़ी पसंद आई आपकी सीरीज, पता है. बैक टू बैक मेरे को लत लग जाती है, कुछ चीज देखता हूँ, 7-8 एपिसोड. आई थिंक आपको भी कास्ट करना चाहिए. अब बॉबी देओल वाला रोल. पर मतलब आप कब कैसे आना हुआ त्रिधा आपका फिल्मों में? मैं तो हूँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट.
दूर दूर तक कोई नाता नहीं था मेरा फिल्म से. अच्छा जी. बट धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स, एक पैजेंट जीता था मैंने. एंड सच्ची बोलूं तो ऑडियंस का प्यार, इन सब से मैं आगे बढ़ पाई. और प्रकाश सर ने मुझे देखा था, आई वॉज अ क्लासिकल डांसर. अच्छा. उनको पता था कि मैं अभिनय कर सकती हूँ. तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था किसी और शो के लिए. एंड आई एंडेड अप डूइंग समथिंग बिगर, बेटर. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू प्ले बबीता इन आश्रम. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. सुमित भाई बड़े कमाल के एक्टर हैं. अभी आधा साल खत्म नहीं हुआ, इनकी ओटीटी पे चार सीरीज आ चुकी हैं, तीन चार और आने वाली हैं. सुमित भाई आप बहुत ज्यादा डिमांड में हो कि बहुत ज्यादा लोन ले लिया आपने कहीं? काफी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. आई मीन नहीं नहीं वो क्या कि एक अरसे तक काम नहीं था ना, तो अब जैसे ही काम आता तो मैं ना नहीं बोल पाता हूँ. मुझे लगता है लो सारा कुछ. हाँ, कि जो भी आया काम कर लो, पता नहीं फिर मिले ना पूछे. नहीं, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप हमेशा डिमांड में रहेंगे, बस नजर ना लगे अर्चना जी की, बाकी तो. ए, राजेश भाई को हम सब ने मिर्जापुर, फिर बंदिश बैंडिट, रंगबाज, दिल्ली क्राइम जैसी वेब सीरीज में देखा है. बहुत ही बाकमाल एक्टर है. और ये ना ज्यादातर गरीब मजदूर बाप का रोल बड़ा किया इन्होंने. आपने कभी प्रोड्यूसर से कहा नहीं कि ठीक है बाप बनाओ लेकिन अमीर वाला बनाओ? मैं आज ही यहाँ आया हूँ ना, तो थोड़ा मेकअप वेकअप होके और मैं बड़ा अलग महसूस कर रहा हूँ. अमित भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज. ये खुशी हमारे शो पे दूसरी बार आने की है या आज दो खूबसूरत हीरोइन के साथ आए हैं आप? इंपॉर्टेंट महसूस हो रहा है सर. मैं तो घर में एक्चुअली, मेरे को आया मैसेज ना आपके यहाँ से, तो मैंने कहा कि क्यों बुला रहे हैं ये मुझे दोबारा. मैं इसमें इसी उलझन में लगा रहा हूँ एक आध दिन, तो मैंने कहा बुला रहे हैं तो चले जाओ यार, बुला रहे हैं कोई अच्छी चीज के लिए बुला रहे होंगे. भाई आप इतना बाकमाल काम कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आप आए. मुझे तो हैरानी की देख रहे हैं लोग, देख देख के. अब मैं एक और मेहमान को बुलाना चाहूंगा. ओटीटी के दौर में जहाँ अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स की डिमांड होती है ना, वहीं ऐसे एक्टर्स की भी जरूरत होती है जो किरदार को जस्टिफाई कर सके, जो ऑथेंटिक लगे. और ये इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो करते हैं हमारे कास्टिंग डायरेक्टर. तो आज एक ऐसे ही जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो हम यहाँ पे आज बुला रहे हैं. प्लीज वेलकम मिस्टर मुकेश छाबड़ा. बहुत बहुत स्वागत है मुकेश आपका. थैंक यू. छोटा सुभाष का ही लग रहा है मुकेश आज. कितना नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं हैट वैट में. लुकिंग हैंडसम ब्रो. थैंक यू. अच्छा आपने बात बदल लिया ना अभी. नहीं नहीं मैम यार, प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा भाई है. मुकेश ने बहुत ही कमाल कमाल की बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी वेब सीरीज उनकी कास्टिंग की है. कुछ नाम अगर मैं लूं तो हैदर, हाईवे, चेन्नई एक्सप्रेस, काई पोचे, गैंग्स ऑफ वसेपुर, रॉकस्टार, अंगल, ऐसी मजेदार फिल्मों की कास्टिंग की है. मुकेश कैसा लगता है जब इतनी कामयाब फिल्मों की कास्टिंग करके जब आपको मतलब ऐसे कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है भाजी. और इतने सारे एक्टर आते, लगता था कि यार सारे एक्टर जो खुद ढूंढे इनको तो बुलाया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं बुला. आज बुला लिया तो अच्छा लग रहा है. आई लव यू ब्रदर. बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब चलो, लगता है आप सबको भी कास्ट करना पड़ेगा. आपका रास्ता नेक्स्ट वही है, आपका भी. मुकेश को जैसे कोई देखता ना, क्योंकि पहले पहले तो क्या इतना सोशल मीडिया होता नहीं, तब सब पहचानते हैं बाई फेस. तो जो एक्टर ना भी हो ना तो वो भी एक्टिंग करने लग जाता है. अभी आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अपने बच्चे को बेटा करके दिखाओ. अरे हमेशा है, मतलब शादी पे कभी भी जाओ तो हर रिश्तेदार बोलता है अरे बेटा नाच के दिखाओ भैया के सामने, पहले नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ. तो शुरू से लेके मतलब लोग नाच ही रहे होते हैं मेरे आगे भी. अभी कभी लिफ्ट में जाओ, कभी खाना खाने जाओ तो कहो कि अपना ऑडिशन दिखाता रहता है, रास्ते में मिलता रहता. अच्छा. है तो ये दिन भर चलता है. पर मतलब मजा आता है अगर, क्योंकि ये टैलेंटेड एक्टर नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता. इन लोगों की वजह से मैं यहाँ पर. क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, लोग हमारे सामने कई बार कर देती है औरतें अपने पति को ना करके दिखाओ. अरे करके दिखाओ ना, उस दिन तो शराब पी के बड़ा कर रहे थे. कभी कभी वाला डायलॉग बोल रहे थे, बोलो ऐसा होता है? अरे बाजी अब तो लोग, अभी कभी अंकल मिले थे यार मेरे बेटे के लिए लड़की भी ढूंढे, इतने सारे लड़कों से मिलता है तो अब तो रिश्ते भी आने. बहू की कास्टिंग कर दो. बहू की कास्टिंग भी कर दो. अच्छा राजेश भाई ना बड़े एंटीक एक्टर हैं. एंटीक से मैंने इसलिए बोला क्योंकि डीडी में आने वाला पहला डेली सोप शांति, उससे इन्होंने शुरुआत की थी. कोई तो बता रहा था, कहते मंदिरा बेदी को देखने के बाद आपके मन में आया कि मैं भी ऑडिशन देता हूँ, क्या पता मुझे भी शांति मिल जाए.
कैसे हुई थी शुरुआत राजेश भाई? मैं मतलब पहले तो ये कहना चाहूंगा, एंटीक भले ही ना हो, एंशियंट जरूर हूँ। अच्छा प्राचीन हूँ। हाँ नहीं, मैं मुझे वो एनएसडी के टॉयलेट में वो रोल मिला था। टॉयलेट में? एनएसडी के वॉशरूम में था मैं, और पास में एक डायरेक्टर खड़े थे। वहाँ पे कौन सा टैलेंट देखा उसने? तो अच्छा भाई बताइए, ये बड़ा मजा। उन्होंने कहा कि यार आप एक्टिंग करते हो क्या? मैंने कहा हाँ, मैं एनएसडी से ही हूँ, अभी बस पास आउट हुआ ही हूँ। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा फिर तो बहुत बढ़िया, एक ऑडिशन दे। पास आउट का एनएसडी से या बाथरूम? एनएसडी से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, और फिर इस तरह से मैं काम लेके बॉम्बे आया। वाह। अक्सर लोग बिना मतलब आके, लेकिन उसके बाद अलग कहानी रही थोड़ी। अर्चना जी कभी ऐसा ही हुआ, धमकी वाला फोन करा के आई थी ना आपको? राजेश भाई को हमने ज्यादातर ना मूछ में देखा आपको हमेशा ही हमने। कभी आपको किसी ने कहा ना मूछ हटा के देखो, क्या पता रोमांटिक फिल्में मिलने शुरू हो जाए। मान लो आपको आंचल या त्रिधा के साथ रोमांटिक रोल में कास्ट करें, तो ये एक शर्त रखे कि मूछ कटानी है। त्रिधा का तो मैं एक एड में बाप बन चुका हूँ। अच्छा जी। और एक सीरीज में ससुर। अच्छा। But that doesn't matter because एक फिल्म में मैं अक्षय कुमार की बॉस बनी हूँ, एक में कुछ और मदर इन लॉ बनी थी, और एक एड में मैं उनकी वाइफ भी बनी। मतलब चांस है, हो सकता है। एक में आप बॉबी देओल के फादर भी बने थे ना आप? नहीं। आई लव यू अर्चना। तो अगर मुझे कटवाने से ये चांस है तो जरूर तैयार हूँ अभी। वैसे अगर आपको ऐसे कोई बोल दे कि कुछ चार छह रोमांटिक लाइनें अपने मन से बोल दो, आप इतने मजे हुए एक्टर हैं, आप बोल देंगे? मतलब मैं वैसे कोई कविता बोल सकता हूँ? आंचल को देख के कोई कविता बोलिए कोई। बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं राजेश भाई। हाँ, लेकिन मैं ये अपनी कविता नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुलजार साहब की बोल देता हूँ। अच्छा जी। जी जी। कि मुझको इतने से काम पे रख लो, जब भी सीने में झूलता लॉकेट तुम्हारा उल्टा हो जाए, अपने हाथों से सीधा करता रहूं उसे। जब भी आवेज उलझे तुम्हारे बालों में, एक बस इतना कह दो कि चुभता है ये अलग कर दो। जब भी गरारे में पांव फंसे तुम्हारा, या दुपट्टा किसी किवाड़ से अटके, एक नजर देख लो तो काफी है। प्लीज कह दो तो अच्छा है, लेकिन मुस्कुराने की शर्त पक्की है। मुस्कुराहट मुआवजा है मेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। कावड़ा साहब देख रहे हैं आप? पास पास भाजी, कल 11 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।